Hello kids, how are you? I hope all you are well and safe. So today's subject is English, and today we are going to learn in English identify and circle the object related to the letter. इसमें क्या सीखने वाले हैं? जो letter से related object है, picture है, उसको circle करना है. क्या करना है? Circle करना है. जैसे F, F for क्या होता है? F for fish होता है, right? तो इस लाइन में देखना है, तीन पिक्चर बने हुए हैं, तो एफ़ और फिश, फिश कौन है? तो ये फिश है, एफ़ और फिश होता है, तो एफ़ और फिश को सर्कल कर देना है. क्या कर देना है? इस तरह से इसको सर्कल कर देना है. ओके, और ए, नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट लेटर ए है, तो ए फोर एप्पल होता है, ए फोर एप्पल होता है, राइट? तो ए फोर एप्पल होता है, तो इस लाइन में देखना है, तीन पिक्चर है, इन तीनों में से एप्पल कौन है? एप्पल ये है, तो एप्पल को सर्कल कर देना है. ओके, नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट लेटर वी है, सो वी से रिलेटेड पिक्चर कौन है, क्या होते हैं? वी फॉर वैन होता है, राइट? तो वी फॉर वैन होता है, इन तीनों में से वैन ये पिक्चर ये है, तो इस पिक्चर को सर्कल कर देना है. और नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट लेटर डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर वॉच होता है, राइट? डब्ल्यू फॉर वॉच होता है, तो इस लाइन में वॉच ये है, तो इसको सर्कल कर देना है. ओके, नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट लेटर एक्स है, तो एक्स फॉर एक्समस ट्री होता है, तो तीनों में ये ट्री है, बट ये एक्समस ट्री है, तो एक्समस ट्री इस पिक्चर को सर्कल कर देना है. ओके, सो इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से इस वर्कशीट को करना है. सो लेटर से रिलेटेड पिक्चर को सर्कल करना है. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.